क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम गणेश तिवारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थे। हमरे पीछे खेत देखत हो, यह खेत है और यह खेत के बीच में चूना के सफ़ेद लाइन डाली गई है। सीधी माँ वार्ड नंबर 24 माँ निवासी अवनीश सिंह बघेल, जिनका उम्र 32 वर्ष रही, उनका जो है उनका रेठे खून से लथपथ जो है लाश मिली है। यहाँ पुलिस जो है पूरा तरीके से चूना डाली सी कि कऊ में लाश कहाँ रही है, फिर लाश का जो है खसकाए के आगे ले आवा गा ये झाड़ी में। यह जगह जो हुआ है वह हम अपना का बता दी, हम कहा कैमरा मैन कहूँ दिखा दें कि यह बाईपास के वह ओवरब्रिज के जगह है आए, जो मनोज फ्यूल का एक ठे रोड जाती, जो मझौली का एक ठे रोड जाती, ओहिन के ओवरब्रिज के बगल में ये पूरा जो है घटनाक्रम भा है। और यह घटनाक्रम बेहद दर्दनाक और बेहद दुखद घटनाक्रम है कि 24 वार्ड नंबर के सीधी नगरपालिका क्षेत्र के निवासी कल जो है शाम के 7 बजे लापता हुए थे। उनकर सीधी माँ जो है गुमसुदगी सीधी सिटी कोतवाली माँ 7 बजे रिपोर्ट दर्ज होती और परिजन परेशान होते हैं। सोशल मीडिया माँ उनका जो है फोटो चलाई जाती कि उनका जो है कोई देखे तो परिजनन का सूचित करें, किंतु आज जो है तड़के सुबेरे एठे लाश मिली है। हम कैमरा मैन से कहा क्यों दिखा मैं कि एठे खून के धब्बा वगैरह सब पड़ा लाग है, हम या एठे खून पड़ा रहा एठे यह पूरी घटना भय जहां लड़ाई झगड़ा भा फेंक के बाद बॉडी का खिसका के एठे ले आवागा। तो यह पूरा घटनाक्रम के एरिया अपना देख ली हमारे साथ जो है, यह पूरा घटनाक्रम अपना समझ सकी थे देख सकी थे कि यह बेहद हृदय विदारक घटनाक्रम रहा, जो बेहद दुखद बेहद दर्दनाक घटनाक्रम है। और यह घटनाक्रम का लेके यदि बात की जाए तो सीधी पुलिस प्रशासन पर सवाल या निशान लग रहे हैं कि आखिर गश्त कब होती, गश्त कहाँ होती, काहे कि यह बाईपास आए और यह बाईपास के मेन जो है यदि कहा जाए कि यह रीवा का एक ठे रोड जाती मझौली के जाती और एक ठे रोड जो है अपना के सिगरौली रोड जाती, मतलब यह बाईपास के हुआ प्रमुख जगह है जहां लोगन के आवागमन बना रहा था और आवागमन के साथ साथ एठे पुलिस के गश्तो हो चाहिए, किंतु यह घटनाक्रम हो जात है और केहू का कानो कान खबर नहीं होती आए। हालांकि यह पूरी घटना अबे जो है साफ तौर में साफ सुथरी नहीं भय आए, किंतु प्रथम दृष्टिया और लोगन के कहा है कि अब खुलेआम मर्डर की इनगा है वह व्यक्ति के। और अपना परिजन को बता दी अवनीश सिंह बघेल जो जिनका उम्र 32 वर्ष बताई अल्लाह ही, वो एक पैर से वो जो है अपाहिज रहे विकलांग रहे और उनका वह पैर जो है थोड़ का कम काम कर रहा। तो निश्चित तौर पर यह घटनाक्रम जो है बेहद बड़ा सवाल या निशान लगावा थी। हमारे साथ हरीश हैं, हरीश जी लगातार यह पूरे मामला का जो है देख रहे हैं। हरीश का है एठे का भा सुबेरे से घटनाक्रम का भा अपना जबान था। यहाँ पे नीरज नामक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी और औंधे मुंह पड़ी हुई थी, मुंह नीचे था और गर्दन ऊपर थी, गर्दन में काफ़ी घाव थे उसमें। और जब पुलिस आई है, थोड़ा लेट हो गई है पुलिस आई है, तो गले में भी घाव मारा गया था, उनके उंगलियां कटी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपने बचाव के लिए हाथ को आगे बढ़ाया था, तो उनकी उंगलियां भी कटी हुई हैं, उनके यहाँ पर भी काफ़ी घाव लगा है, उनके इधर भी घाव लगा काटा हुआ है। इतनी बेरहमी से हत्या की गई है इंसान की, और वो लग रहा है कि अंतिम तक उनके प्राण निकलने तक वो संघर्ष करता रहा अपने को बचाने के लिए। निश्चित तौर पर बेहद बड़ी बात कि एक व्यक्ति के कितनी संदिग्ध परिस्थिति में जान ले लीन जाती और यह केहू का कानो कान खबर नहीं हो, जबकि यहीं से कुछ दूर हमने देखी पीछे एक घर बना है, वह घरों है अगल बगल जो है बस्ती है, किंतु यह मेन रोड होए के बाद बाईपास रोड, मतलब जो 24 घंटा बाईपास ये रोड चला थी, ओके बावजूद जो है एठ केहू जो है यह बात का जान ही नहीं पावा, समझ नहीं पावा, बचा नहीं पावा, वह आदमी संघर्ष करत करत आपन जो है जान दे दी। स्थिति यह है कि पुलिस जो है एठ पूरी तरह से जो है साक्षण का सुरक्षित रखे तक के व्यवस्था नहीं करके गया है। स्थिति यह है कि मेढ़ माँ चून डाल के चली गई ही, अब को आवे को जाए ओसे ओका मतलब नहीं आए, एठ जो है सलगी चीजन का जो है चूना डाल के रख दीन गए। हमारे एठ देखी लागे या सर्जिकल ग्लव्स पड़े लागे या बॉडी के जो है या FSL टीम आई हुई जो पूरी तरह से थे जांच पड़ताल करी सोई। हालांकि यह पूरा घटनाक्रम बेहद हृदय विदारक घटनाक्रम है कि एक युवक जो 32 वर्ष के रहा, जो पैर से विकलांग रहा, वह युवक का
एक दर्दनाक परिस्थिति में जान चली जाती। कितना संघर्ष करी सोई हुआ युवक अपने जान का बचावे खितर। बेहद दुखद घटनाक्रम है और ये घटनाक्रम में ये सफ़ेद लाइन अपना समझ सकी थे कि ये थे वो पूरा हुआ संघर्ष के दौर रहा जब एक युवक का मारा जा रहा वह अपन जान बचावे खितर लगातार संघर्ष कर रहा। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।